हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी लाइफ। मैं हूं अंकित दुबे और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं वीकली रैपअप। जी हां, इस हफ्ते की पांच बड़ी खबरें जो कि ऑटो जगत से जुड़ी हुई हैं। और ये पांच बड़ी खबरें क्या हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम पहली खबर से करते हैं जिसमें महिंद्रा एक्सयूवी 700 को करीब 100,000 बुकिंग्स मिल चुकी हैं। पिछले साल सिर्फ दिवाली तक ही इस एसयूवी को 70,000 बुकिंग्स के आंकड़े मिल चुके थे और अब 100,000 के करीब बुकिंग्स मिल चुकी हैं। इतना ही नहीं, इस एसयूवी का वेटिंग पीरियड भी लंबा है। टियर 2 शहरों में तो 6 महीने से ज़्यादा का वेटिंग पीरियड है और कुछ शहरों में तो 15 महीने तक वेटिंग पीरियड इसका पहुंचा हुआ है। कंपनी ने जनवरी 2022 तक 14,000 यूनिट्स को डिस्पैच कर दिया है। आपको बता दें, ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे ही महिंद्रा एक्सयूवी 700 की 7 अक्टूबर को बुकिंग शुरू हुई, तभी मात्र 57 मिनट में कंपनी को इसकी 25,000 बुकिंग्स मिल चुकी थी। तो अब दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो जापान की टोयोटा मोटर कंपनी का कहना है कि वो लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन चुकी है और उसने पिछले साल 10.1% की व्हीकल सेल्स में बढ़ोतरी हासिल की है। कंपनी ने साल 2021 में 10.5 मिलियन व्हीकल्स की बिक्री की है और इसमें दाईहात्सु मोटर्स और हीनो मोटर्स भी शामिल हैं। तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो हार्ले डेविडसन ने घोषणा की है कि वो साल 2022 के लिए अपनी नई बाइक्स की लाइनअप पेश करेगा और ये सब मिलवॉकी 8117 इंजन के साथ आएंगी। ये इंजन 1920 सीसी का है जो कि 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। नए मॉडल्स में 2 बैगर्स होंगे, 2 नए लो राइडर्स होंगे, 4 कस्टम व्हीकल्स ऑपरेशंस यानी कि CVO ब्रांड के तहत अपडेटेड मॉडल्स शामिल होंगे। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो ये है टॉर्क मोटर्स की तरफ से, जिसने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को लॉन्च कर दिया है। टॉर्क क्राटोस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत 1,08,000 रुपये है और ज़्यादा पावरफुल क्राटोस आर की कीमत 1,23,000 रुपये है। ये सभी एक्स शोरूम पुणे कीमतें हैं जो कि फेम 2 और स्टेट सब्सिडीज के बाद हैं। क्राटोस को दोनों वर्जन में पूरी तरह इन हाउस डेवलप किया गया है और इसमें आपको ऑल LED ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। कंपनी इसमें 7.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दे रही है जो कि 10 BHP की पावर देती है। इस इलेक्ट्रिक मोटर को 0 से 40 kmph की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 4 सेकंड का वक्त लगता है और टॉप स्पीड इसकी 100 किलोमीटर पर आर है। इस मॉडल में 4 किलोवाट आर का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया है जो कि 180 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है, लेकिन कंपनी का कहना है कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में सिंगल चार्ज पर 120 किलोमीटर आसानी से चल जाएगी। वहीं अगर हम टॉर्क क्राटोस आर की बात करें तो कंपनी ने इसमें 9 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी है जो कि 12 BHP की पावर और साथ ही 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये स्टैंडर्ड वर्जन से 10 Nm ज्यादा टॉर्क देता है। इस बाइक की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आर है और रेगुलर चार्जर के जरिए अगर बाइक को फुल चार्ज करते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे का वक्त लग जाता है। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो 2022 होंडा CBR650R भारत में लॉन्च हो चुकी है और कंपनी ने इसकी कीमत रखी है 9,35,000 रुपए एक्सशोरूम। इस मिडल वेट बाइक को कंपनी कम्प्लीटली नॉक डाउन CKD किट के तौर पर ला रही है और होंडा बिगविंग टॉप लाइन शोरूम के जरिए इस गाड़ी को बेच रही है। 2 कलर्स में इस बाइक को पेश किया गया है, मैट गन पाउडर ब्लैक मेटालिक और नया स्पोर्टी ग्राफिक्स के साथ ग्रैंड प्रिक्स रेड। और इस बाइक में 649 सीसी का DOSC 16 वॉल्व इनलाइन इंजन दिया गया जो कि 4 सिलेंडर इंजन है और यह 12,000 आरपीएम पर 86 BHP की पावर और साथ ही 8,500 आरपीएम पर 57.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और 8,500 आरपीएम पर 57.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि इस हफ्ते की पांच बड़ी खबरों के बारे में जानना चाहते हैं।